तो फ्रेंड्स देखिए सामने एक एलएचबी गाड़ी खड़ा है और ये देखिए एयर बेलो सिस्टम क्या है, इसको एयर स्प्रिंग बोला जाते हैं। तो देखिए एयर बेलो सिस्टम में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस गाड़ी के एयर बेलो सिस्टम में जो हवा आता है, आपके हवा के जो प्रेशर आता है कहाँ से आता है, कैसी आता है और पाइप कनेक्शन के बारे में। तो चलिए इस गाड़ी का मैं आपको अंदर में पाइप कनेक्शन में लेके चलते हैं। इस गाड़ी में देखिए ये जो ऑक्सिलरी रिजर्वर है, ये ऑक्सिलरी रिजर्वर खाली आपको एयर बेलो में जो हवा जाता है उसके लिए होता है। तो इस तरफ से एंटर होने से आपको सुविधा, इसका साथ में कोई ब्रेकिंग सिस्टम के लिए कोई कनेक्शन नहीं है और कोई ब्रेकिंग सिस्टम इसमें काम नहीं करते, उसके लिए अलग से आपको पैनल बोर्ड है, वो डीबी पैनल बोर्ड है और वो ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, उस वीडियो बाद में हम देंगे। आज मैं खाली एयर बेलो में जो हवा का प्रेशर जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पाइप है। ये पाइप कनेक्शन में आपको इस तरफ से ये जो है आपको बोगी आइसोलेटिंग एयर बेलो का है और ये मेन पाइप जो ब्रेक पावर के है, बीपी पाइप के आपको पाइप है, ये मेन पाइप आपके एपी पाइप का है और ये है अलार्म चेन के लिए, ये अलार्म चेन के लिए, और ये है ब्रेक सिलेंडर में जो कि ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक को काम कराते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करेंगे बोले है एयर बेलो में जो हवा का प्रेशर जाते हैं एपी ओनली एपी पाइप का हवा किस तरह से जाते हैं बता रहे हैं। ये मेन एपी पाइप है, ये इस बोगी से उस बोगी और दोनों एंड में निकल गया है और इधर देखिए टी ज्वाइंट है, ये आपके आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं एक आइसोलेटिंग कॉक, एक डार्ट कलेक्टर, एक नॉन लीटर भाव 3 mm चोक के, उसके बाद में 150 लीटर के ऑक्सिलरी रिजर्वर, ये जा रहे हैं एयर बेलो में जाने के लिए तैयार हुआ। इसमें 6 kg/cm² हवा के प्रेशर रहते हैं। ऑक्सिलरी रिजर्वर के देखिए आउटपुट हुए है, होने के बाद में ये लाइन आया है टी ज्वाइंट फॉर आपके बोगी आइसोलेटिंग फॉर एयर बेलो। इसके बाद में देखिए इस तरफ में आपको ये आपको उस बोगी में चले गया और उस तरफ में उस एंड में एक आइसोलेटिंग कॉक रहेगा बोगी के आइसोलेटिंग के लिए फॉर एयर बेलो को हवा को बंद करने के लिए। तो अभी मैं चलते हैं, देखिए इस पाइप को पकड़ के ये आपको जा रहा है, ये सामने वाला जो बोगी दिखता है उस बोगी के आइसोलेटिंग कॉक के जाते हैं। चलिए ये देखिए इधर आ गया, ये बोगी में जो एयर बेलो में हवा जा रहा है उसके आइसोलेटिंग कॉक में मैं आ गया। इसके बाद में लाइन थ्रू हो गया, देखिए ज्वाइंट के बाद में लाइन थ्रू हो गया, ये लाइन इधर से जाने के बाद में आपको एयर बेलो का हवा लेफ्ट बेलो में जा रहा है और उसके बाद में उस तरफ राइट बेलो में जा रहा है। ये उस तरफ से ये पाइप आया है आपको बोगी आइसोलेटिंग कॉक के बाद में, ये देखिए टी ज्वाइंट है, एक लेफ्ट बेलो में आपको लेवलिंग वाल्व जाते हैं और इस तरफ से एक राइट बेलो लेवलिंग वाल्व जाते हैं, देखिए उस समय लेवलिंग वाल्व जाते हैं। अभी ये आपके इधर से देखिए ये लेवलिंग वाल्व है, आप इनसाइड में कनेक्ट हुआ आपके एक फ्लेक्सिबल पाइप इधर रहेंगे। इसके बाद में देखिए एक लाइन ये डुप्लेक्स वाल्व जाते हैं, हम दिखा रहे हैं थोड़ा बाद में अंदर में जाके। ये लेवलिंग वाल्व में आने का बाद मेन हवा के सोर्स आपके डुप्लेक्स वाल्व के बाद में ये एयर बेलो और 60 लीटर के जो ऑक्सिलरी रिजर्वर है ये ऑक्सिलरी रिजर्वर में आएंगे, मतलब इस ट्रॉली में 2 एयर बेलो है और 2 60 लीटर ऑक्सिलरी रिजर्वर है, इसमें हवा का प्रेशर रहेंगे और ये स्प्रिंग उस टाइम काम करेंगे। ये लेवलिंग वाल्व पे इंडिकेटर है, देखिए लेवलिंग वाल्व से लगा हुआ है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि बेलो में आपके हवा है या नहीं, अगर बेलो हवा रहेंगे तो ये पोर्शन हॉरिजॉन्टल में रहेगा, अगर बेलो में हवा नहीं रहेगा तो ये पोर्शन वर्टिकली उतर जाएगा। ये दोनों बेलो का बीच में डुप्लेक्स वाल्व का कनेक्शन है, अभी मैं डुप्लेक्स वाल्व कनेक्शन में लेके चलते हैं, कहाँ डुप्लेक्स दिखाते हैं। ये डुप्लेक्स वाल्व है, अब ये आपके उस तरफ से एयर बेलो का कनेक्ट है लेफ्ट
लेफ्ट से और राइट एयर बेलो से कनेक्ट है। तो देखिए ये डुप्लेक्स वाल्व से आपके एक फ्लेक्सिबल पाइप निकला, ये आया एक मेटल पाइप, मेटल पाइप के बाद में देखिए एक फ्लेक्सिबल पाइप है, ये फ्लेक्सिबल पाइप आपको कनेक्टिंग विथ फीबा यूनिट। तो दोस्तों इधर से फीबा यूनिट शुरू होते हैं और देखिए राइट बेलो में जो है ये राइट बेलो का डुप्लेक्स वाल्व से निकला हुआ है और ये देखिए ये सीधा आपको फीबा यूनिट राइट बेलो का कनेक्टर हो गया। तो मैं अभी आप लोगों को फीबा यूनिट फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन के बारे में दिखाएंगे, उसका यूनिट कहाँ है और किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं जब समझाया आप लोगों को ये होता है आपको ये एयर सस्पेंशन का जो इसमें हवा किस तरीके से पहुंच रहे उसके हिसाब और उसका डायग्राम। अभी इसके बाद में ये फीबा यूनिट जो है फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन के जो कनेक्शन मैं बता रहे हैं। इस वीडियो में देखिए ये आपको एक पाइप उधर से आया है लेट बेलो के लिए और इस तरफ का जो पाइप आ रहा है ये देखिए इस तरफ से आपको पाइप आ रहा है, ये आ गया आपको इधर एक एंगल कॉक सॉरी आइसोलेटिंग कॉक और एक आइसोलेटिंग कॉक। ये फीबा यूनिट में 1, 2, 3, 4 कनेक्शन है आपको देखिए, ये आइसोलेटिंग कॉक लेट बेलो आया है आपके लेट बेलो देखिए ये इधर लगा है, ये लेट बेलो इसमें से कुछ पंक्चर होने से ये बेलो से हवा इधर निकलेंगे, ये राइट बेलो का कनेक्शन है और देखिए एक पाइप है, ये पाइप आपको बीपी तरफ रन करते हैं, बीपी के लिए कनेक्शन है, एक आइसोलेटिंग कॉक है और देखिए ये बीपी मेन पाइप टी जॉइंट से आ रहा है और ये फीबा यूनिट में आपको कनेक्ट हो रहा है। फीबा यूनिट में कनेक्ट हो रहा है और इधर देखिए एक पाइप जो है ये है आपको एक इंडिकेटर राइट में गया, एक इंडिकेटर आपको लेफ्ट में गया, देखिए उस तरफ एक इंडिकेटर है वो इंडिकेटर में गया है। इस पोर्ट में 8 mm का होल है, इस पोर्ट में 8 mm का होल है, अभी पकड़ लीजिए इस तरफ बेलो में पंक्चर हुआ है, पकड़ लीजिए बेलो में पंक्चर हुआ है, इसमें से कुछ आपको एपी प्रेशर डिस्ट्रॉय हुआ, 1 kg से जब ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं तभी ये आपको फीबा यूनिट एक्टिव होता है और उस टाइम ये ब्रेक पाइप का कनेक्शन इस यूनिट से प्रेशर को ड्रॉप करा देता है और आप लोग जानते हैं ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने से गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। तो दोस्तों उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, पहला बात है जब आपको एयर बेलो पंक्चर हुआ है तो आपको मेन जो आपको वोगी आइसोलेटिंग था उनमें से हवा जो पहुंच रहा है वो निकल जा रहा है, तो पहला आप ये इधर से ब्रेक एप्लीकेशन हुआ इसको आइसोलेट करेंगे और इस ट्रॉली का जो बोगी आइसोलेटिंग है इसको आइसोलेटिंग करेंगे और उस टाइम मेरा गाड़ी 1000 किलोमीटर तक 60 km/h में जा सकते हैं। मैं आपको ये इंडिकेटर आपको रेड होंगे क्योंकि इसमें ब्रेक पकड़ा रहेगा और आप जब इस आइसोलेटिंग कॉक को जब आप बंद करते हैं और उस आइसोलेटिंग कॉक को जब बंद करता है इस टाइम अगर ये रेड से ग्रीन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तब देखिए इस यूनिट के अंदर में एक काला से आपको बटन मिलेंगे उसको आप रीसेट करिए और एक बार ऑफ ऑन करने के बाद में देखेंगे इधर जो पोजीशन है ये पोजीशन में आपको ग्रीन हो जाएगा। अभी मैं बात करते हैं ये जो डुप्लेक्स वाल्व से देखिए और जो रेड है उस मार्क से आपको राइट बेलो में हवा रहे, पकड़ लीजिए ये बेलो कहीं आपको कट गया, ये आपको फ्लेक्सिबल पाइप कट गया मतलब डुप्लेक्स वाल्व का हवा निकल जाएंगे और पकड़ लीजिए ये लेफ्ट बेलो का जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट से कहीं भी कट गया तो आपको क्या करना है, उस टाइम आपको एक डमी मिलेंगे और वो फेरुल ज्वाइंट से कट जाने से आपको उस टाइम एक डमी मिलेंगे मेटल पाइप का साथ में एक डमी जो कि 30, 32 और
34 mm के होते हैं, उस डमी आप इस पाइप के अंदर में लगा देंगे और वो डमी हो जाएंगे, तो आपको ऑक्जुलरी रिजर्वर का हवा फिर से चार्ज होने लगेगा और आप उस टाइम में आपको कोई केमपेस देने नहीं पड़ेगा, सेम रन में गाड़ी जाएंगे। लेकिन उस काम शुरू करने के आगे आपको ये जो मेन से आपको बोगी आइसोलेटिंग जो कॉक है इसको आइसोलेट करेंगे, बीपी आइसोलेटिंग कॉक को ऑफ करेंगे। इसके बाद में आप उधर डमी कर सका, अगर पूरा रिजल्ट दे दिए आप, पूरा फिटिंग कर दिए, तो ये दोनों आइसोलेटिंग कॉक को आप फिर से खोल देंगे, मतलब गाड़ी एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी जाएंगे। अगर आप काम नहीं कर सकेंगे, डमी किया होगा, तो इस बीपी जो पाइप है एंगल कॉक आइसोलेटिंग कॉक है इसको बंद रहेंगे। मेन रिजर्वर से जो आपके आइसोलेटिंग कॉक से जो बंद किए थे इसको खोल देंगे, क्योंकि ये हवा आपको डायरेक्ट बेलो में पहुँचते हैं। अगर इसको आप नहीं खोलेंगे तो दोनों एयर बेलो जो है उनमें कोई भी प्रेशर नहीं रहेंगे, तो गाड़ी मार खाने का चांस होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग जान पाया फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन किस तरीके से काम करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, मुझसे कुछ गलती हुआ तो माफ़ कीजिए, चैनल पे नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।